Hey guys, welcome back to Shraddha's vlog. और आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा टू यू ऑल. और जो भी मेरे मराठी व्यूवर्स है त्यांच्यासाठी माझ्याकडून दसऱ्याच्या त्यांना हार्दिक शुभेच्छा. तो आज है दशहरा. कुछ लोग जो बैंगलोर में जो है दशहरा कल सेलिब्रेट होने वाला है, 19 को फ्राइडे को. और महाराष्ट्र कैलेंडर के हिसाब से जो है मैं दशहरा जो है आज आ रहा है, तो मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ दशहरा. जो कि मेरे हस्बैंड को जो है छुट्टी नहीं है आज ऑफिस में, वो अभी ऑफिस गए हैं. और अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह जो है मैंने कुछ ऐसा स्पेशल खाना नहीं बनाया था. तो मैंने सोचा कि कैबेज की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और नॉर्मल दाल राइस रोटी सब्जी और बूंदी रायता बनाया था. तो उसमें बहुत सारा ऑयली खाना और स्पाइसी खाना हो जाता है, तो आज बिल्कुल भी ऑयली और स्पाइसी खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने आज सिंपल सा लंच बनाया था. तो मैंने सोचा उसे क्या शेयर करूँ, इसलिए मैंने अभी अपना व्लॉग स्टार्ट किया है. और आज दशहरा है, तो दशहरे के लिए हम कुछ स्पेशल नहीं करते, जस्ट नॉर्मल सी पूजा की है मैंने भगवान की. अभी जो है हम दो, मेरी चाय हो गई है और रिद्धिमा ने भी मिल्क पी लिया है. तो अभी हम दोनों रंगोली बनाएंगे, उसके बाद जो है शाम को हम रेडी हो जाएंगे अच्छे न्यू कपड़े पहन के. सिर्फ टेंपल जा रहे हैं जो हमारे घर के पास है, गणेश टेंपल. मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे उसके बाद हम तीनों मिल के टेंपल जाएंगे. बस इसी तरीके से हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. मराठी में दशहरा बोलते हैं और हिंदी में दशहरा बोलते हैं, तो मेरे मुंह से जो है दशहरा निकल जाता है कभी कभी. तो बस यही है. और अभी जो है मैं और रिद्धिमा रंगोली बनाएंगे, मैं एक बाहर बनाऊंगी और एक मेरे भगवान के सामने. और उसके बाद डिनर का तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि क्या बनाना है, तो अभी पहले रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले सोचा था कि मैं बालकनी में जो है बनाऊंगी रंगोली, बट अभी वो प्लान कैंसिल कर रही हूँ और यहाँ पे मंदिर के सामने ही बना रही हूँ घर के अंदर. बिकॉज बाहर ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी. मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, पहले मैं यहाँ पे रंगोली बना लेती हूँ. Thank you.
मैंने अभी जो है रंगोली बना ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक कुछ अजीब सी रंगोली बन रही है, आप देख सकते, दिखाती हूँ आपको। ये क्या बना रहे हो तुम? मैं फ्लावर। दिखाओ फ्लावर कैसे बनाया। कैसे बनाया? हाँ तो ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, फ्लावर तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। दिखी है। नहीं ये तो मैंने बनाया है, तुमने क्या बनाया? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र में भवंडर आ गया हो। तो ये जो है ऐसे बना है रिधिमा ने रंगोली, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो बनाई है। ये मैंने यहाँ पे मेरा जो देवघर है उसके सामने ये रंगोली डाली है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे बनाई है रंगोली और डोर के बाहर बनाई है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं यहाँ पे बनाऊंगी या उस कॉर्नर पे, बट वेदर ऐसा हो गया है बाहर कि आप अगर डालोगे भी रंगोली तो पूरी धुल जाएगी। और देख सकते हो आप वेदर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाहर का वेदर जो है बहुत ही रेनी हो गया है, क्लाउडी हो गया है, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है ऐसा। वो बाहर बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए मैंने घर के अंदर ही रंगोली डाली है। आपको दिखाती हूँ पूरा वेदर, पूरे क्लाउड्स आ गए हैं। ऐसा वेदर हो गया है अभी तो। अभी मुझे ये जो रिधिमा ने बनाया है इसको क्लीन करना है, और अभी देखते हैं हम थोड़ी देर में रेडी तो हो जाएंगे, बट हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं, टेंपल जा सकते हैं कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि ऐसा वेदर रहेगा तो मे बी देखना पड़ेगा। तो बस अभी मुझे थोड़े से काम करने हैं, जैसे मैंने सुबह कपड़े वॉश किए थे वो अभी तक मैंने डाले नहीं है, और अभी सिर्फ और सिर्फ 5:15 हो गए हैं और मुझे सारे लाइट्स ऑन करने पड़े, इतना अंधेरा हो गया है अभी घर में, तो मे बी किसी भी वक्त बारिश आ सकती है आज। तो ऐसा है अभी मैंने अपने कपड़े जो है सूखने डाले नहीं है, तो वो भी मुझे अभी घर के अंदर ही डालने पड़ेंगे सूखने के लिए, ड्राई करने के लिए। और थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके लिए मुझे चाय बनानी है, तो अभी जो है मैं पहले अपने कपड़े डाल दूँ सूखने के लिए। आज बाहर वेदर ऐसा है इसलिए मैं घर पे ही कपड़े जो है ड्राई कर रही हूँ। इस समय बारिश आ गई तो ये स्टैंड अंदर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चॉइस कपड़े जो है बाहर ही ड्राई करने के लिए रखे हैं, बिकॉज अभी तक बारिश आई नहीं है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही, तो हो सकता है मे भी मेरे कपड़े जो है ड्राई हो जाए हवा में। और अभी देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि रेडी होके टेंपल जाए। अभी राहुल घर आ गए हैं और अभी उनके लिए मैं चाय बनाऊँगी। Thank you.
के पास जो है दिया नहीं जलाया, बिकॉज दो बार जला चुकी मैं, बट हवा इतनी चल रही है कि दिया बुझ रहा है, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ अगरबत्ती जला लेती हूँ आज। तो अभी आपको दिखाती हूँ, पूरा ब्लैक हो गया है। आई थिंक वो साइड में बारिश भी हो रही है थोड़ी सी। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो टेंपल जाने का प्लान था वो कैंसिल हो जाएगा। और कोई बात नहीं, वैसे कल भी दशहरा है, वैसे यहाँ पे बैंगलोर में तो कल सेलिब्रेट होने वाला है, तो हम कल सेलिब्रेट कर लेंगे। तो अभी जो है मैंने दिया लगा लिया है। तो अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ। हाँ जी।